हाय दोस्तों, यह वोंका, बार्बी और वेंसडे है। वाह, चलो कलिनरी चुनौती शुरू करते हैं। लिंसे ने पैनकेक्स ड्रॉ किया है, चलो इसे जल्दी बनाओ। मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे सभी सामग्रियों को मिलाने के लिए कटोरा चाहिए। सबसे पहले थोड़ा आटा, गुलाबी डाई और दूध लेंगे। इसे मिलाएं। वाओ, कितना सुंदर स्वादिष्ट गुलाबी मिक्सचर बना है। और अब इसमें कच्चे अंडे तोड़ते हैं और इसे मिक्स करेंगे। अब केवल गुलाबी पैनकेक्स को भूनना है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। बहुत बढ़िया, चलो उन्हें प्लेट पर रखें। वाओ, देखो मैंने बहुत सारे बनाए हैं। स्वादिष्ट, सुंदर। अब इन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालें और अब इसे खाया जा सकता है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब केवल इसमें मेरे सिग्नेचर बार्बी स्क्वायर को रखना और मीठे शुगर पाउडर छिड़कना बचा है। शानदार, बेबी लिंसे को ये जरूर पसंद आएगा। और मुझे ये देखने की जरूरत है कि मेरे सूटकेस में क्या दिलचस्प है। यहाँ पैनकेक्स के लिए जरूर कुछ स्वादिष्ट होगा। वाओ, बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। लेकिन मुझे अभी कोको, मेरे सिग्नेचर चॉकलेट सिरप और बहुत सारे चॉकलेट अंडे चाहिए। ये दुनिया का सबसे ज्यादा चॉकलेटी पैनकेक्स होगा। चलो कोको के साथ शुरू करते हैं, फिर बहुत सारे चॉकलेट सिरप और कुछ चॉकलेट अंडे मिलाए। सुपर, अब एक ब्लेंडर में सब कुछ मिलाए। अब हम चॉकलेट पैनकेक्स फ्राई करेंगे। वाओ, कितना सुंदर है, कितना सुंदर चॉकलेट पैनकेक बन रहा है। बहुत बढ़िया। अब इस पर चॉकलेट सिरप डालना बचा है। तुम चॉकलेट सिरप को बहते देख सकते हो। वाओ, थिंग, मैं सब देख रहा हूँ। तुम मेरे चॉकलेट कहीं नहीं ले जा सकते हो। इसके बारे में सोचो भी मत। यह टाइल पैनकेक्स पर बहुत अच्छा लगेगा। वाह, स्वादिष्ट। थिंग, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैंने पहले ही काले पैनकेक्स बना लिए हैं। थिंग, रुको, मेरे पैनकेक्स को बर्बाद मत करो। तुम्हें विली वोंका के पास नहीं जाना चाहिए था। अच्छा होगा तुम मेरी मदद करो। एक बर्तन में सिरप पक रहा है, इसे हिलाओ। मुझे पैनकेक के लिए एक दो चम्मच चाहिए और थोड़ा ऑक्टोपस टीयर्स मिलाएं और हमें सही सिरप मिलेगा। वाओ, यह योजनाओं में नहीं था। खैर, चलो सब ठीक है। वाह, यह बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी निकला। सिरप को पैनकेक्स पर डालती हूँ। कितना स्वादिष्ट, मुझे इसे खुद खाने का मन हो रहा है। यह सिरप ट्रोल स्नोर जैसा दिख रहा है। अब मुझे एक जोड़ी आंखें चाहिए। हगी वगी, क्या मैं इसे उधार ले सकती हूँ? मुझे यह ट्राई करने दो। वाह, यह स्वादिष्ट है। चलो इसे अपने पैनकेक्स में जोड़ दे। स्वादिष्ट, चलो इसे खाकर बताओ। वाह, यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। ओ नहीं, इन पैनकेक्स की आंखें और मुझे ये देख रही हैं। मैं उन्हें बाद के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं यह ट्राई करूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट चॉकलेट। बढ़िया, अब पैनकेक्स को चखने का समय है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। वाओ, मुझे पसंद है। और अब मैं इन्हें खाने जा रही हूँ। वाओ, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा। और अब और क्या है ये? लेकिन ये बहुत भयानक है। यह स्नोर जैसा दिख रहा है। मैं इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहती। और यहाँ क्या है? वाओ, जरूर इसे बार्बी ने बनाया है। चक कर देखती हूँ। गुलाबी पैनकेक्स स्वादिष्ट है और बार्बी जीत रही है। ओ, तुम कितनी अच्छी हो। धन्यवाद। मैंने पहले एक नई ड्राइंग तैयार कर ली है। यह हनी जेली है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं इसे अभी पकाऊंगा। मुझे एक गमी बेयर चाहिए। मैं एक बोतल में सब डाल देता हूँ। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट निकलेगा। और अब हम बोतल में शहद डालते हैं। अरे, शहद कहाँ है? अजीब है, मुझे इसे खुद लाना होगा। रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। अंदर जरूर बहुत सारा शहद है। ए, प्यारी मधुमक्खियों, क्या आप यहाँ हैं? अरे, मेरी दिन की नींद में कौन परेशान कर रहा है?
बस करो। यह विली वोंका है। हेलो मेरे दोस्त, फिर से शहद चाहिए? आसान है, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। मैंने अपनी हैट लगा ली है, ये रहा मेरा हैट। वाओ, यह आ रहा है। कितना अच्छा, धन्यवाद मेरी प्यारी मधुमक्खी। ये एक बोतल में शहद डालने का समय है, यह बहुत ही स्वादिष्ट होगा। गमी बेयर के साथ बोतल में सब कुछ इनको डालना है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, यह तैयार है। और तुम ऐसे क्यों बैठी हो वेंसडे? चलो, मेरे पास भी हनी जेली का आइडिया है, लेकिन मेरे पास शहद नहीं है। क्या अंदर कोई है? अरे मुझे फिर से कौन जगा रहा है? ओह, तो यह वेंसडे है। तुम अपने हाथ इधर कहाँ बढ़ाए जा रही हो? यह मेरा घर है। शहद कहाँ है? मैं तुम्हें डंक मारने जा रही हूँ। यह लो शहद चोर। आउच, दर्द हो रहा है। एक मधुमक्खी ने मुझे डंक मार दिया। बस बहुत हो गया, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। मैं अच्छा बनना चाह रही थी, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। हेलो दोस्त, मैं एक छत्ते के साथ वापस आ गई हूँ। मैं लिंसे के लिए शहद जेली बनाने जा रही हूँ। बस बोतल में बहुत सारे शहद निचोड़ने की जरूरत है। बढ़िया। हाँ, धन्यवाद मधुमक्खियों, छत्ते के लिए यह बहुत उपयोगी है। वेंसडे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे अपना जेली बनाना होगा। सबसे पहले मैं शहद के साथ गुलाबी सेक्विन मिलाऊंगी। वे कितनी खूबसूरती से चमक रहे हैं। मीठे शहद में बहुत सारे सेक्विन डालें और सब कुछ एक साथ मिलाएं। वाओ, ये कितना सुंदर निकला। अब हमें सब कुछ एक बोतल में डालना होगा। वाओ, मेरी जेली में ग्लिटर तैर रहे हैं। वाह, अब केवल इसे स्प्रे के साथ फ्रिज करना बचा है। वाओ, मैं अपनी जेली को फ्रीजर में जमने के लिए रखूंगी, तो यह पक्का पूरी तरह से जम जाएगा। बिल्कुल सही, हम इसे कुछ सेकंड के लिए हटाते हैं और सब कुछ तैयार है। मुझे अब फ्रिज की जरूरत नहीं है। लिंसे, अब तुम इसे चख सकती हो। वाओ, कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाओ, कितनी स्वादिष्ट जेली है, अद्भुत। और यहाँ क्या है? वाओ, यह जेली चमकदार है। सुपर, इसे ट्राई करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं एक रेनबो बना सकती हूँ। सुपर, अब वोंका की जेली ट्राई करना बचा है। वाह, यहाँ गमी बेयर है। स्वादिष्ट। विली वोंका, इस बार आप जीत गए हैं। मैं? कितना अच्छा, विक्ट्री डांस, ये। मैंने लगभग नई ड्राइंग तैयार कर ली है। बस एक सेकेंड, मेरे पास बस एक बहुत बड़ी ड्राइंग है और बहुत सुंदर है। क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हैं? अभी। यह, मुझे इस तरह का केक चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? बेशक। यह कैसा सवाल है, यह किया जाएगा। मैंने पहले ही सभी केक तैयार कर लिए हैं। हम सभी के पास केक है। दोस्तों, चलो एक साथ काम करते हैं। ये कितना अच्छा, चलो शुरू करें। मुझे अपने सिग्नेचर चॉकलेट क्रीम की जरूरत है। हाँ, या हम इसे केक पर लगाते हैं, सब कुछ खूबसूरती से। हो गया, मैंने एक चॉकलेट केक बनाया और उसे चॉकलेट क्रीम से ढक दिया। अब केवल सजावट के लिए कैंडीज डालना बचा है। मैं बहुत सारे M&M कैंडी यहाँ रखना चाहता हूँ और ऊपर से लॉलीपॉप। यह सुंदर है, मेरा काम हो गया। और अब वेंसडे की बारी है। बढ़िया, मैं एक काला और भयानक केक बनाने जा रही हूँ। मुझे छोटी मकड़ियों की जरूरत है। क्या हुआ वोंका? गमी वॉर्म्स? वाह, यह डरावना और स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे पसंद है। मैं उन्हें केक के लिए ले लूंगी और तुम मेरी मकड़ियों को ले सकते हो। चलो, मेरे बैंगनी केक में बहुत सारे गमी वॉर्म्स डालते हैं ताकि बेबी लिंसे उनसे डर जाए, वो बहुत जोश में आ जाएगी। बिल्कुल सही। और अब दांत, बेशक गमी के तैयार।
ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बार्बी, अब तुम्हारी बारी है। सच में कितना अच्छा, मेरे पास एक अच्छे डिजाइन का आइडिया है। मैं सी बीच थीम वाला केक बनाने जा रही हूँ। चश्मे के साथ गुलाबी राजहंस, बहुत सारे गुलाबी बॉल्स और मेरा सिग्नेचर लेटर, और बीच अम्ब्रेला नहीं भूल सकते हैं। तैयार, हमने कर लिया। अब हमें अपने सभी केक को इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि हमें एक विशाल केक मिल सके। वाह, कितना अच्छा, हमने अपना बेस्ट किया। वाह बेबी, तुम इसे चख सकती हो। वाह, ये बहुत अच्छा है, मुझे वास्तव में ये पसंद है। ये बिल्कुल वैसा ही केक है जैसा मैं चाहती थी। मैं हर लेयर को ट्राई करूंगी। वाह, इसे जरूर बार्बी ने बनाया होगा। और यह केक विली वोंका की तरह दिख रहा है। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। और वेंसडे ने क्या किया है, इसे भी चखती हूँ। वाह, स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। ये गमी कीड़े भी है इसमें, और ये प्यारे गमी टीथ। तुम सबने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद दोस्तों, अच्छे काम के लिए। हेलो दोस्तों, आप कलिनरी चैलेंज में हैं। बेबी जैस को क्या चाहिए? वाओ, ये एक डोनट है, कितना अच्छा। चलो जल्दी से बनाओ। मुझे पहले से ही पता है कि क्या करना है। मैं डोनट मशीन लेता हूँ, स्वादिष्ट रंगीन डोनट इसमें डाल देता हूँ। कितना अच्छा, वाओ, इससे बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दादी, आप क्या करने वाली हैं? मेरे पास एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी डोनट बनाने का अच्छा आइडिया है। मैं एक सेब से डोनट बनाऊंगी, यह बहुत स्वादिष्ट होगा। डो में डुबोकर तेल में डालें, फिर एक दो मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर इसे मिल्क चॉकलेट में डिप करेंगे। अगर ये डोनट्स है तो हमें रंगीन स्प्रिंकल्स को नहीं भूलना चाहिए। सुंदर, हेल्दी और स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। दादी, मुझे क्या बनाना चाहिए? एक मिनट रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं रेनबो जेली रिबन से एक डोनट बनाऊंगी। मेरे पास कोई आइसिंग नहीं है, लेकिन मेरे पास व्हिप्ड क्रीम है और अब स्प्रिंकल्स, ये नट कैंडीज होंगे। कितना अच्छा, ये बहुत रंगीन और सुंदर होगा। अद्भुत, मैं इसे थोड़ा खा लेती हूँ। उप्स, आपने कुछ भी नहीं देखा। मैंने पहले ही अपना रेनबो डोनट्स बना लिया है। जेस को मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। मैं डोनट से एक कैटरपिलर बनाना चाहता हूँ। यह कितना सुंदर दिख रहा है, ये असली खाने वाला रेनबो कैटरपिलर बना। सुंदर, अब इसे बेबी को चखने के लिए दे सकते हैं। माफ करना दादी। दादी जागो। वाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस रेनबो कैटरपिलर को ट्राई करना चाहती हूँ। वाओ, कितना अच्छा, मुझे पसंद है। स्वादिष्ट, मैं सब खाना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया। शेफ, मैं तुम्हारे पेशेवर काम को पहचानती हूँ, और बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या है? यह थोड़ा अजीब लग रहा है, इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, यह एक सेब है, यह अच्छा है। वाह, क्या यह रेनबो डोनट है? लेकिन ये बहुत कड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया, मैं सब खाना चाहती हूँ। एमा, तुम्हारा डोनट जीत रहा है। क्या सच में? हुर्रे, मैं बेस्ट हूँ। हमारी छोटी जेस अब क्या चाहती है? वाओ, यह हबा बबा गम है, कितना दिलचस्प है। एमा को ठीक ठीक पता है वह क्या करने जा रही है। कितना अच्छा, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं यह गम ले लेती हूँ और यह वाला भी लूंगी। मेरे पास जितने भी गम है, मैं उन सभी को ले लेती हूँ। यह सभी फ्लेवर्स के साथ एक सुपर डुपर गम होगा। जैस पक्का बहुत खुश हो जाएगी, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा बॉल होगा। अब सब कुछ मिलाए और इसे पिघलने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया। दादी, शेफ, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप मुझे हरा नहीं सकते। मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है। मैं बेबी जेस के लिए हनी जेली बनाने जा रही हूँ। यह नेचुरल गम की तरह है, यह बहुत हेल्दी होगा और जेस को भी यह जरूर पसंद आएगा। हमें बस सब कुछ फ्रीज करने की जरूरत है। क्या हनी? क्या यह अजीब देश है, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूँ।
यह एक बहुत ही स्वादिष्ट च्युइंग गम कॉटन वूल होंगे। वाओ, देखो यह कितना अच्छा बन रहा है। वाओ, बहुत सुंदर। और अपना हाथ हटाओ। ये सभी कैंडीज बहुत हानिकारक हैं। कुछ नेचुरल पकाना बेहतर है। मेरा तैयार है। एमा क्या कर रही है? मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैंने लगभग सब कुछ कर लिया है। केवल मोल्ड में डालना और इसके जमने का इंतजार करना है। तैयार। जेस, जल्दी चक्कर बता। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तुरंत सब खाना है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। क्या ये जेली है? कितना अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। और बबल कैसा बनेगा? कूल। दादी, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, और शेफ ने क्या किया है? वाओ, क्या ये गम कॉटन है? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। जल्दी ट्राई करना चाहिए। और हम गम को फुलाते भी है। वाओ, बढ़िया। बहुत अच्छा शेफ, आपने भी बहुत अच्छा किया। वाओ एमा, तुमने खुद को मात दे दी। उसने खासकर मेरे लिए गम का इतना बड़ा टुकड़ा बनाया। मुझे ये सब खाना है। ये स्वादिष्ट है। और अब चलो बबल फुलाए। वाओ, ये बहुत बड़ा है। आउच। वाह, मैं खुश हूँ। एमा, तुम सबसे अच्छी हो। हुर्रे, मैं फिर से जीत गई। वाओ, इस बार मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? ये मुश्किल नहीं है। ओह, यार क्या हो रहा है? मैंने पहले ही शुरू कर दिया है। मेरे पास एक कूल मशीन है जो सभी मकई के दानों को पॉपकॉर्न में बदल देती है। कितना अच्छा। और कितनी जल्दी सब कुछ तैयार हो रहा है। अब मैं यह मिर्च ले लेता हूँ। ओह, यह बहुत तीखा है। ओह, मेरे मुंह में आग लग गई है। ओह, यह काम किया। अब पॉपकॉर्न और मार्शमेलो को आपस में मिला देता हूँ। वाह, यह वह तरीका है जो मैं चाहता था। मैंने पॉपकॉर्न का एक कटोरा बनाया। अंदर बहुत सारी अलग अलग चॉकलेट डाली और हर चीज के ऊपर चॉकलेट सिरप डाला। बढ़िया। पॉपकॉर्न बनाना बहुत आसान है। हमें बस सभी मकई के दानों को फॉइलिंग पेपर में लपेटना होगा। मुझे लगता है कि हमें और चाहिए। चलो स्टोव को तेज करते हैं और इंतजार करते हैं। वाह दादी, आप कैसा कर रही हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपनी पोती के लिए कारमेल पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ। इसके लिए एक पैन में कारमेल डालेंगे और अब इसमें बहुत सारे मकई के दानों को डालते हैं। हमें एक बहुत ही स्वादिष्ट कारमेल पॉपकॉर्न मिलेगा। ये लगभग तैयार है। अब इसे केवल कटोरे में डालना है और अब इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डाल सकते हैं। वाओ, ये तैयार है। एमा, तुमने क्या किया है? मेरा सब कंट्रोल में है। वैसे नहीं, कुछ कंट्रोल में नहीं है। विस्फोट से सावधान। ओह नहीं, इतना पॉपकॉर्न। मुझे शायद इतने सारे मकई के दानों को नहीं डालना चाहिए था। लेकिन चलो, सब कुछ बहुत दिलचस्प लग रहा है। और यह अजीब है। मैं सबसे अजीब पॉपकॉर्न को चखूंगी। ये स्वाद अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? और यह स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। कारमेल पॉपकॉर्न अच्छा है। वाह, और यहाँ क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट पॉपकॉर्न का एक पूरा कटोरा और उसमें बहुत सारे चॉकलेट। बढ़िया शेफ, आप जीत गए हैं। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करो। मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि क्या करना है। मैं सोडा का इस्तेमाल करके आइसक्रीम बनाऊंगी। हमें बस और स्किटल्स डालने की जरूरत है। बढ़िया, हमने एक स्टिक डाली और चलो सब कुछ फ्रीज करें। मैं इसे अपने स्टाइल में बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट फ्रूट आइस बनाऊंगी। मैं अपने बगीचे में उगने वाले फलों से इसे बनाऊंगी। सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और मिक्स करें। हमें बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ स्वादिष्ट फ्रूट आइस मिलेगा। और अब हमें इसे फ्रीज करने की जरूरत है। मैं एक इंस्टेंट फ्रिज स्प्रे का उपयोग करूंगी। बढ़िया, इतना रंगीन और स्वादिष्ट निकला।
मेरा फेवरेट वॉफल कोन। बस दादी आप क्या सोचती हो, क्या आपको यह पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, मैं उनमें अपनी आइसक्रीम डालूंगा। यह बहुत सुंदर और स्वादिष्ट होगा, हर फ्लेवर का। और एम्मा क्या कर रही है? मेरे पास भी फ्रूट आइस है लेकिन सोडा और कैंडी से बना है। मैं अभी से बाहर निकालूंगी लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। एक आइडिया मेरे पास है, मैं एक चेनसॉ की मदद से यह कर सकती हूँ। यह इस तरह से बहुत तेज है, डरो मत, सब ठीक है। यह तैयार है, चलो इसे चक्कर बताओ। वाह यह बहुत अच्छा है, मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। यह आइसक्रीम इतनी बड़ी है, वाह यह मुश्किल है। ओह यह स्वादिष्ट, ओ नहीं सब कुछ टूट गया है। क्या कर सकते हैं, मैं इस आइसक्रीम का मजा भी नहीं ले पाई। ठीक है चलो कुछ और ट्राई करते हैं। वाह इसकी बात ही अलग है, यह कोन मेरे लिए बिल्कुल सही आकार है। इस तरह मैं सभी स्वादों का मजा ले सकती हूँ। वाह ओ और यहाँ क्या है? यह एक फ्रूट आइस है। दादी आप सबसे अच्छी हो, इसके स्वाद का जवाब नहीं। वाह आप जीत रही हैं, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाय पुलिस, क्या आप खाना चाहती हैं? हाँ मुझे डोनट चाहिए। वाह अभी देती हूँ, एक दो मिनट इंतजार करें, मुझे बस कुछ डोनट बनाने की जरूरत है। और अब हम उन्हें डीप फ्राई करने के लिए भेजते हैं। हाँ चलो इसे फ्राई करती हूँ। बढ़िया, मेरे पास ऐसे सुंदर डोनट्स हैं। और आप बस इसमें शुगर आइसिंग और रंगीन स्प्रिंकल्स डालती हो, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। और अब यह तैयार है। पुलिस यहाँ आपके डोनट्स हैं, इसे चक्कर बताएं। वाह यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लग रहा है। वाह निश्चित रूप से तुम इस पैसे के लायक हो, तुम चेंज रख सकती हो। एक मिनट रुको, उसने मेरा फूड ट्रक चुराया था, देखो। चलो देखते हैं, या नहीं या नहीं। नहीं तुम सही कह रहे हो मिस्टर केनी। एलिस तुम एक ट्रक कैसे चुरा सकती हो? अरे नहीं वो जा रही है, पुलिस उसके पीछे चलो। ओह ये स्वादिष्ट डोनट्स के लिए उसका धन्यवाद है। मैं अभी जेल नहीं जा सकती, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा पीछा करना बंद करो। आज यह एक एक्सीडेंट था। वाह कितना बड़ा डोनट, लगता है वो गिर रहा है। अरे नहीं मेरे ट्रक पर नहीं, ये एकदम नया है, मैं अब जाती हूँ। ओह यह ठीक हो गया। ओह पुलिस ने निश्चित रूप से ऐसे डोनट्स कभी नहीं देखे हैं। बाय बाय। वाह दादी देखो ये फूड ट्रक है, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है मिस, क्या मैं एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मांग सकती हूँ? आपका ऑर्डर स्वीकार कर लिया गया है, अब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का एक कोन बनाते हैं। आइसक्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स को निकालते हैं। बढ़िया आपका आइसक्रीम कोन तैयार हो गया है, अपने खाने का मजा ले, चलो इसे खाते हैं। वाह कितना स्वादिष्ट है, मुझे यह पसंद है। वाह दादी यहाँ आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, मैं यह वाला खाना चाहता हूँ, और मुझे यह भी चाहिए, और यह वाला, और यह भी, और यह पहली बार मैंने देखा है। ओह ये एक बड़ा ऑर्डर है, सब कुछ किया जाएगा, हमें सभी स्कूप्स को फिट करने के लिए एक बड़ा कोन लेने की जरूरत है। मुख्य बात किसी भी फ्लेवर को भूलना नहीं है। हाँ देखो ये कितना बड़ा हो गया है। तैयार मैं ऊपर में चॉकलेट सिरप डालूंगी, अब सबसे जरूरी बात रंगीन स्प्रिंकल्स है। वाह बहुत बढ़िया, तुम अब यह ले सकते हो, यह बहुत अच्छा निकला, इसे चेक कर बताओ। वाह स्वादिष्ट, यह कितना बड़ा है, मुझे यह बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा, यह पेमेंट करने का समय है, मुझे खुशी कि तुम्हें पसंद आया। ओ नहीं इथन क्या तुम ठीक हो? मेरे बच्चे क्या तुम ठीक हो? वह जम गया है, चिंता मत करो दादी तुम्हें गर्म रखेगी मेरे बेटे। चलो एक टोपी और एक स्कार्फ डालते हैं। चलो मेरे बच्चे, और तुम क्या देख रही हो, अब ऐसा मत करना। मेरी गलती क्या है, किसी ने पैसे भी नहीं दिए। उफ। वाओ क्या मजेदार वीडियो है। अरे यह क्या है, भूकंप? अरे नहीं मेरा ट्रक ढहने वाला है, यह कौन आ रहा है? एक नया ग्राहक, हेलो। वाओ हेलो, यहाँ सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए।
यह किया जाएगा। मुझे कुछ सॉसेज चाहिए, उन्हें काट ले और अब उन्हें एक स्क्वायर पर रख दे। बढ़िया, अब कॉर्न डॉग के लिए डो बनाना बाकी है। एक ब्लेंडर में सब कुछ डालें और मिक्स करें। और अब मुझे ब्रेड क्रम भी चाहिए, यह चिप से बना होगा। कूल, अब हम सब कुछ असेंबल कर रहे हैं। हम एक स्क्वायर पर चीज के साथ सॉसेज लेते हैं, इसे बैटर में डुबोते हैं और अब हम सब कुछ चिप्स के टुकड़े में डिप करते हैं। वाव, यह बहुत अच्छा है। अब बस कॉर्न डॉग को फ्राई करना बाकी है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, ग्राहक निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा। लो, इसे खाकर देखो। ओह, धन्यवाद। वाव, क्या खुशबू है, स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे चखना चाहता हूँ। स्वादिष्ट, वाव। ओह, ये खत्म हो गया, मेरे पास दो और है। हाँ, जल्दी से दो मुझे उसे। मैं उसे भी खाऊंगा, स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मुझे और चाहिए। मुझे कॉर्न डॉग दो अभी, मुझे और चाहिए, जल्दी करो। ओ नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, पिज्जा पकड़ो, तुम्हें चाहिए? बेशक, इस तरह के सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा को कौन मना करेगा। क्या तुम्हें यह चाहिए? फिर इसे पकड़ो। मैंने उसे छुटकारा पा लिया। मुझे कम से कम एक ग्राहक चाहिए। ओह, क्या वह चोर है? उसके पास कितना पैसा है? उसने निश्चित रूप से एक बैंक लूट लिया है। मिस्टर, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ओह, उसके साथ क्या हो रहा है? यहाँ इतने सारे कॉबवेब्स क्यों हैं? ओह, मुझे चोर के लिए डर लग रहा है। यह कौन था? यह निश्चित रूप से पुलिस नहीं है। वाह, तो ये असली स्पाइडरमैन है। ओह, सच कहूँ तो मुझे बहुत भूख लग गई है। मुझे बर्गर बुरा नहीं लगेगा। क्या तुम इसे बना सकती हो? यह मेरे लिए एक बड़ा सम्मान होगा। बेशक, मैं स्पाइडरमैन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगी। पहले मुझे कटलेट तैयार करने की जरूरत है। वाह, क्या शक्तिशाली चीज है, वह निश्चित रूप से कीमा संभालेगा। सही हाथ, और इस ग्लव के साथ मैं सभी सब्जियों को काट सकती हूँ। वाह, यह काम किया, सुपर। मुझे लगभग पूरा बर्गर मिल गया है। एक मकड़ी का साइन भी मैं बनाऊंगी। अब मैं इसे परोस सकती हूँ। आपके लिए बर्गर, मिस्टर स्पाइडरमैन। वाओ, इतनी जल्दी, मैं इसे अब खाऊंगा। लेकिन यह मास्क के साथ काम करने वाला नहीं है, मुझे इसे उतारना होगा। वाह, क्या, अरे लगता है मैंने अपनी पहचान लीक कर दी। भूल जाओ, अरे वहाँ पर देखो, वहाँ आयरन मैन है। यह भागने का समय है, वहाँ कोई नहीं है। अरे वो कहाँ गई? और उसने कोई पैसा भी नहीं दिया। ओह, वो कहाँ जा रही है? हेलो, मेरा नाम बार्बी है। क्या मुझे मिल्कशेक मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है? या क्या है, यह असली पैसे की तरह तो नहीं दिख रहा है। नहीं, मैं इसे नहीं लूंगी। हम हमेशा बार्बी लैंड में ऐसे ही पे करते हैं। ओह, पैसा कमाना मेरे नसीब में नहीं है। मुझे इस अजीब लड़की से छुटकारा पाने के लिए मिल्कशेक बनाना होगा। मुझे ये गुलाबी न्यूट्रेला लेने की जरूरत है, या इसका जो भी बचा है, दूध डालें और सब कुछ मिलाएं। तैयार, अब एक ब्लेंडर में सब कुछ डालें। हाँ, तैयार, अब सॉसेज डालें और फिर प्याज। यह निश्चित रूप से ऑक्टोपस कॉकटेल जिसमें गुलाबी मिर्च है। पीने के बाद वो मेरे पास नहीं आना चाहेगी। हाँ, हम उसके पैसे भी यहाँ डाल देते हैं। और अब इसे मिक्स करने का समय है। वाव, यह हुई ना बात, यह एक बहुत ही अच्छा गुलाबी मिल्कशेक बन गया है। तैयार, यह लीजिए। वाव, क्या सुंदर मिल्कशेक है, यह जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे अभी चखती हूँ। रुको, यह बहुत अजीब है, इसका स्वाद बहुत भयानक है। बार्बी लैंड की बार्बी को सर्व करना अच्छा था। जल्दी मिलते हैं, हमारे पास फिर से आना। यह मिल्कशेक मस्त था। विशेष ग्राहकों के लिए रेसिपी याद रखना जरूरी है।